हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस टेस्ट। कैसे हैं आप सब? आज देखिए, मैं बना रही हूँ हलवाइयों जैसे बिल्कुल दम अरबी, और इसकी ग्रेवी आप देख सकते हैं कितनी थिक और बहुत ही यमी बने के तैयार हुए हैं। बहुत ही अच्छे बने हैं दम अरबी, और इसी ग्रेवी में आप चाहे तो दम आलू भी बना सकते हैं। और इसमें सीक्रेट्स हैं, छोटे छोटे टिप्स हैं, उन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया दम अरबी बन करके तैयार होगी। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने अरबी लिया है, और अरबी को मैंने धो करके और उबाल दिया। सिर्फ दो सीटी लगानी है, ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा भी उबालना नहीं है और कम भी नहीं उबालना। और इस तरह से मैंने काट करके उसमें छेद कर रही हूँ, आप देख रहे हैं फोक से, ताकि जो हम मसाला बनाएंगे इसका, इसको मैरिनेट करेंगे तो मसाला इसमें अंदर तक चला जाए। तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है, ध्यान रखिए, और कच्ची भी नहीं रहनी चाहिए। तो दो सीटी, बहुत ज़्यादा बड़ी अरबी का यूज़ ना करें, छोटी अरबी लीजिए, और उसको भी मैंने काट दिया है। तो इस तरह से इसमें डाल रही हूँ मैं एक चम्मच बड़ा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर एक चम्मच के करीब। तो हम पहले मसाले मिला रहे हैं, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और एक चम्मच गरम मसाला, और एक चम्मच भुना जीरा, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स। और साथ में डाली है मैंने देगी मिर्च। इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे हाथों से, आप तो चारों तरफ से इसको इसमें लपेट दीजिए, ताकि जो मसाला बिल्कुल अंदर तक इसके अंदर चला जाए अरबी के अंदर। इसीलिए मैंने अरबी को बीच में से काट दिया था। आप चाहे तो साबुत अरबी से भी बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी तरह मसाला अंदर नहीं फिल हो पाता, और इसके अंदर तक मसाला जाने के लिए इस तरह से आप इसको मिलाइए, और भुना जीरे का ज़रूर यूज़ कीजिए। तो इसे हम 15 मिनट के लिए रख देंगे, तब तक इसकी ग्रेवी तैयार हम कर लेते हैं। वो मैं 15 से 20 मिनट उसको मैं छोड़ रही हूँ। तो मैंने एक बड़ा स्पून ऑयल कर लिया है, ऑयल आप अच्छी तरह गरम कर लीजिए। और इसमें हम जो अरबी हमने ली थी, वो 20 मिनट के बाद उस अरबी को मैं यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा हम इसको शेलो फ्राई करेंगे, और आप चाहें तो उसको डीप फ्राई भी करके बना सकते हैं, बट मैं आज शेलो फ्राई करके ही बना रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत अरबी जो ग्रेवी वाली जो ये दम आलू होती है, ये बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल का हम यूज़ करते हैं। ये मसाला हम बाद में यूज़ करेंगे, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, तो इसीलिए मैं पहले मैंने कम ऑयल में ही इसको शेलो फ्राई किया है, क्योंकि हम दो बार इसमें ऑयल का यूज़ करने वाले हैं। अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे रखिएगा, हाई फ्लेम करके आप इसको मत पकाइए, अदरवाइज़ ये अंदर से तो कच्ची रह जाएगी और ऊपर से बहुत सुंदर कलर आ जाएगा इसका। तो मीडियम, लो से मीडियम पर आप रखिए, ताकि अंदर तक, आप देखिए अंदर तक जो है हमारी जो अरबी है वो पक सके, और बिल्कुल भी कच्ची ना रहे। और मैरिनेट करके अरबी को आप रखेंगे तो उसमें जो फ्लेवर आएगा मसालों का, बहुत ही बढ़िया आएगा। और फोक से अच्छी तरह से आप उसे छेद कर दीजिए, तो अंदर तक मसाले आपके भर जाएंगे। तो ये देखिए, ये हो चुकी है। उसी सेम पैन का मैं यूज़ कर रही हूँ, उसी में मैं थोड़ा सा और ऑयल का यूज़ करके हम अब उसके मसाले बना लेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, उसमें एक बड़ा चम्मच मैंने जीरा डाला है, जीरा भुनने लगा है, तो मैं इसमें अदरक लहसुन, अदरक लहसुन को बिल्कुल मैंने बारीक बारीक चॉप किया है, चाहे आप कद्दूकस कर लीजिए। और साथ ही मैं डाल रही हूँ एक प्याज, छोटा प्याज, और उसको भी बिल्कुल बारीक चॉप करा है। अच्छी तरह से मसालों को भूनना है, प्याज को भूनना है मीडियम फ्लेम पर, और भूनने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा। तो इसके साथ डाल देते हैं दो हरी मिर्ची, बिल्कुल बारीक बारीक काट कर मैंने यूज़ की हैं। हरी मिर्चों की क्वांटिटी आप चाहें और ज़्यादा तीखा खाते हैं बढ़ा लीजिए, अदरवाइज आप एक ही मिर्च का यूज़ कीजिए, बट मैंने दो हरी मिर्चें ली हैं। भूनने में बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करेंगे, मसाला बहुत ही अच्छी तरह भूनना है, जैसे कि हलवाई लोग भूनते हैं, तभी उनकी अरबी
एकदम ढाबे वाली, एकदम आप जो होटल में खाते हैं या शादियों में पार्टी में खाते हैं, तो बिल्कुल जो दम अरबी बन के तैयार होती है उसका मेन सीक्रेट यही है कि उसको वो भूनते बहुत ही आराम से हैं, यानी कि जल्दीबाजी नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो बहुत ही थोड़ा सा टाइम, 10-12-15 मिनट लगेंगे। एक चम्मच मैंने उसमें लाल मिर्च डाल दी है और एक चम्मच धनिया पाउडर डाला है और एक चम्मच गरम मसाला। तो हमने मसालों में ही भूनते टाइम डाला है ताकि जो प्याज में और अदरक लहसुन में इसका जो फ्लेवर एकदम मिक्स हो जाए। थोड़ा सा नमक मैं और डाल रही हूँ क्योंकि मैं अरबी में जो हमने मैरिनेट करने के लिए रखी थी उसमें भी नमक डाला था, तो थोड़ा सा नमक अब ग्रेवी में डालकर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इसको हम भी और पकाने वाले हैं। तो यानी कि जो प्याज हमारे हैं बहुत ही अच्छी तरह पकने चाहिए और बिल्कुल तेल हमारा जो कढ़ाई है जो तेल छोड़ देगी तब आपके प्याज अच्छे पकेंगे, लेकिन लो टू मीडियम फ्लेम पर, इस बात का ध्यान रखिए। ये देखिए कितना सुंदर कलर आने लगा है। इसमें अब मैं डाल रही हूँ मेरा सबसे मेन सीक्रेट मूंगफली। मूंगफली को मैंने भून करके बिल्कुल बारीक पीस लिया है और 2-3 चम्मच मूंगफली का मैं यूज़ कर रही हूँ और अरबी लगभग मैंने 250 ग्राम के करीब अरबी का यूज़ किया है। तो उसके साथ डाल देते हैं टमाटर। टमाटर को आप बारीक बारीक चॉप करके डाल दीजिए, चाहे आप प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो मूंगफली का फ्लेवर आता है बहुत ही बढ़िया आता है और ऐसा ही हलवाई लोग बनाते हैं, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो मूंगफली से थिकनेस इसकी बहुत अच्छी हो जाती है। और ये मैंने डाला जो मसाला हमारा बच गया था ना अरबी को मैरिनेट करते टाइम, वो मसाला मैंने अभी यूज़ किया है। अब बस इसको हमें बहुत ही अच्छी तरह से मसाले को पकाना है। मूंगफली का जो मैंने बुरादा डाला है यानी कि भून करके मूंगफली को पीस के, वो बहुत ही अच्छा थिकनेस और उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। पर बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको मूंगफली का जो नहीं डालनी है। अब इसके साथ ही मैंने डाल दिया है 1 कप के करीब दही। तो अब इसको हम मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से, लगातार चलाते रहेंगे मसाले को, तभी आपका मसाला बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। तो बिल्कुल आपको हलवाइयों जैसा, जो आप रेस्टोरेंट में खाते हैं या ढाबे पर या शादी पार्टीज में खाते हैं, तो हलवाई लोग ऐसे ही बनाते हैं बिल्कुल। इसमें डाल देते हैं हम कसूरी मेथी। इसकी खुशबू बहुत ही ज़ोरदार आती है दम अरबी में। ये जो अब मैं ग्रेवी बना रही हूँ, सेम ग्रेवी आप दम आलू में भी यूज़ कर सकते हैं। और मेरे जो छोटे छोटे टिप्स बताए हैं उनका आप ज़रूर ध्यान रखिए। और मूंगफली और कसूरी मेथी इसको आप डालेंगे तो देखिए कितना सुंदर कलर आएगा ग्रेवी, उसमें थिकनेस जो बढ़ेगी बहुत ही लाजवाब हमारी दम अरबी बन करके तैयार होगी। तो इसको थोड़ा सा हम और भून लेते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितने सुंदर जो ग्रेवी हमारी इसकी बन करके तैयार हुई है। ऐसे ही ढाबे वाले बनाते हैं। देखिए ग्रेवी जब तेल ऊपर आ जाता है बिल्कुल, तो अब आपकी ग्रेवी जो है बन करके तैयार हो जाती है। अब इसमें हम मिला देते हैं अपनी अरबी। ये देखिए जो हमने अरबी शैलो फ्राई की थी वो हम इसमें मिला रहे हैं। बहुत हल्के हाथ से मिलाएंगे क्योंकि हमारी अरबी एकदम पक चुकी है। अगर आप मूंगफली का पेस्ट यानी कि पाउडर नहीं डालना चाहते, आप कैश्यू पाउडर भी डाल सकते हैं इसमें मूंगफली की जगह। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे क्योंकि आप देख रहे हैं ना ग्रेवी कितनी हमारी थिक बनी है। तो जिसमें मैंने अरबी रखी थी उसी पैन में डालकर मैंने पानी डाला है और पानी पूरी अरबी में कम से कम मैं 1 ग्लास से थोड़ा सा कम करके यूज़ करूँगी क्योंकि ये गाढ़ी होने वाली है, जब बन के तैयार होगी और थिक हो जाएगी। तो थोड़ा सा पानी का हम और यूज़ करेंगे इसमें। ये देखिए बननी शुरू होगी, फ्लेम हमारी अभी लो रखिएगा। और इस तरह से मैंने थोड़ा सा पानी अब और डाल दिया है इसमें, लगातार इसको चलाते रहिए। और अब ढक करके इसमें लगाएंगे हम दम। दम मतलब हाथों वाला दम नहीं, दम यानी कि गैस का दम, यानी कि धीमी आंच पर धीरे धीरे दम लगते हुए, यानी कि गैस का प्रेशर लगते हुए इसको हमें पकाना है। और 5-10 मिनट कम से कम और अच्छी तरह से इसमें दम लगाना है तो हमारी अरबी ऊपर से बन
तैयार है और हम डाल देते हैं धनिया पत्ती। ऐसे ही बनाते हैं ढाबे वाले, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक चम्मच गरम मसाला डाल दिया है, मेरी तो अरबी ये बन करके तैयार है, दम अरबी। आप लोग कब बना रहे हैं, जब भी आप बनाएंगे आपको मेरी अरबी बनी हुई कैसी लगी ये बताना मत भूलिएगा। इसको बनाइए, इसको देखिए, इसको देखकर बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया दम अरबी बनकर तैयार होगी। और दम लगाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बट हाथों वाला दम नहीं लगाना, ध्यान रखिए गैस का दम लगाना है। धीमी आंच पर अच्छी तरह से इसमें दम लगाते हुए लो फ्लेम पकड़ कर जब तक ये अच्छे से कलर ना छोड़ने लगे, ताकि धीरे धीरे ये पकती रहे अपने दम पर, तो हमारी बन करके तैयार है। देखिए क्या बढ़िया हमारी दम अरबी बनी है। आप इसी तरह से दम आलू भी बना सकते हैं। ये देखिए मैं आपको डालकर दिखाती हूँ कितनी बढ़िया मूंगफली की वजह से कितनी थिक और बहुत ही टेस्टी अरबी बनके तैयार हो रही है। तो आप लोग कब बनाने वाले हैं, जल्दी से बनाइए और आप भी अपना दम दिखाइए, और अपने कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना मत भूलिएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। फ्रेंड्स बताना मत भूलिएगा, नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं आगे से आपके लिए और से अच्छी वीडियोस आप तक शेयर कर सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।